स्लिप डिस्क पेन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप घर से देखें तो इधर के मसल्स कैसा काम कर रहे हैं, और ये हड्डी यानी गर्दन से लेके ये, अगर बॉडी का पोस्चर आप देखें दोस्तों, छाती इनकी पूरी बाहर, कमर के अंदर कैसा कर्व आया, एक यानी एक मोड़ आया, जो एक दो बार ऐसे क्लिक करा सकते हैं। कैसा दिख रहा आकाश कमर? जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बुलेट सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रियपणम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज के बिजी लाइफ में, ऑफिस वर्क में इतना मशरूफ हो गया, और खान पान की जो लाइफस्टाइल हो गया आज, उसके अंदर अपने हड्डियां अपन ख़राब करते जा रहे, स्पेशली जो कुछ अभ्यास नहीं करते, और साथ ही साथ हमेशा डेस्कटॉप पे लगा हुए रहते, सिस्टम पे लगा हुए रहते, या मोबाइल फ़ोनों में लगा हुए रहते, उनके लिए आज ये ख़ास तौर से वीडियो। इनको बहुत जल्दी गर्दन में और कमर में पेन आता, जो कि स्लिप डिस्क और साइटिका पेन से भी जाना जाते हैं हम लोग। तो आज का वीडियो इसके ऊपर, और नेक पेन जिनको होता उनके ऊपर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिनको बहुत सारा पेन रहता है, यानी 10 कदम ही नहीं चलते, स्लिप डिस्क हो जाता, डिस्क बल्ज हो जाता, और एक आपके लोअर बैक से लेके आपके पूरे काफ तक एक नस खींचते रहती, दबने के बाद वो एक नस का खींचाव होते रहता, जिससे कि बहुत ज़्यादा दर्द होता, कई सारे लोगों को नींद की गोलियां लेना पड़ता, सर्जरी कराना पड़ता, पेन किलर खा खा के वो अपनी किडनी ख़राब कर लेते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ये परेशानी है, और हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, कई सारे लोगों ने कहा था कि हमारे को स्लिप डिस्क है उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज ये फिर से भी थोड़ा डिटेल्स के अंदर मैं वीडियो बना। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिनको ज़्यादा दर्द है वो किसी की सहायता लेके ऐसे ऐसे से अपने बॉडी को थोड़ा फ्री करने के बाद ही इस अभ्यास अग्नि यानी अग्नि वाले अभ्यास को करना। जैसे कि आकाश इधर, ये देखिए दोस्तों, जिनको भी ये दर्द से पीड़ित है, और शुरुआत में किसी सहायक की सहायता लेने के बाद सबसे पहले अपने खूनों को फ्री करना है। जैसे कि ये जितना हो सके उतना खोलने की इसको कोशिश करना, कम से कम 6 से 7 सेकंड इसको होल्ड करें, फिर वापस से छोड़ें। कमर पे गिर रहा आकाश वजन? हाँ। इसका सीधा सीधा आपको वजन कमर पे गिरेगा, जितना हो सके उसको इतना, ज़्यादा दर्द नहीं देना है, बस एक 5 से 6 सेकंड इसको होल्ड करें, छोड़े। ये उनके लिए जो टोटली बिस्तर पे पड़े हुए रहते, शुरुआत में उनको ये बहुत सहायक रहेगा। इतने वाले हिस्से पे एकदम इसका प्रभाव गिरेगा आपको, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सेकंड की ऐसा होल्ड करें, सीधा सीधा आपके कमर पे, आपके कूल्हे पे, कूल्हे की नस पे जो आपको तकलीफ देते रहती स्लिप डिस्क होने के बाद में, आपको यहाँ से पूरी नस खींचते रहती, चलना भी नहीं आता कई सारे लोगों को। ये अभ्यास, और इसके बाद थोड़े से पैर ऐसे टेढ़े करना है, थोड़े से पैर टेढ़े करने के बाद एक पैर को होल्ड के ये घुटना देखिए दोस्तों, ये घुटने को ये पंजे करने लाना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, कमर के अंदर खींचाओ आके, पूरा आपके जो नस आपको सता रही उसके ऊपर इसका प्रभाव गिरेगा। इसको भी 5 से 6 सेकंड होल्ड करना है, जितना हो सके उतना इसको ऐसा होल्ड करना है। ये घुटना सीधा, इसको ऐसे नहीं ले आना है, बस इसको ऐसे रखना है। खींचा हो रहा आकाश? ये आपकी कमर, आपके बटक्स के नसों को फ्री करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ये अभ्यास करना है आपको, यानी जो हद से ज़्यादा पीड़ित है, हद से ज़्यादा पेन है, इनको उठना भी नहीं आ रहा, बाकी के वो अभ्यास कैसा करेंगे, तो ये आपके कमर के अंदर ताकत लाने के लिए। उठा आकाश, ऐसे ऐसे आपको दंड के लिए प्रिपेयर होना है, यानी आपके हाथों में, आपके कमर में
क्षत्रिय प्रणाम की दंड मारने के लिए आपको तैयार होना है। ये देखिए, इससे आपके कमर के अंदर ताकत आएंगी और जो बल्च हो गया है, जो डिस्क आपका हट गया है, उसको स्पेस मिलेगा ताकि वो हट सके। कुछ इस प्रकार से जब आपकी कमर पीछे जा रही तो आपकी पूरे हड्डियां कमर के स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा अभ्यास ये देखें दोस्तों, ये दूसरा अभ्यास, इसमें नीचे जाते वक्त आपके नाभि को आपको देखना है, ऊपर उड़ते वक्त आपको पूरा आकाश को देखना है। आकाश आकाश को अच्छे से देखो, ऐसे ऐसे से इसको शुरुआत में आप थोड़ा रुकते रुकते भी करिए, जैसे कि ऊपर गए तो थोड़ा सा रुक गए, नीचे आते वक्त थोड़ा सा रुक गए। इसके अंदर आप देखिए आपकी गर्दन से लेकर आपकी कमर तक पूरे हड्डियों के अंदर अच्छे से स्पेस मिलेगा, खून का प्रभाव अच्छे से होगा आपके पैरों में, नस जाके दबाए थी अपने जो खून को प्रभावित कर प्रभाव जो नस जाके दबाते रहती, डिस्क जो निकल के नस को दबाते रहती खून की, उससे खून की दौड़ान कम हो जाती। इस अभ्यास से उसको सहायता मिलेगी और मात्र एक सात दिन से आपको आराम मिलना स्टार्ट होगा। इसी को अब नीचे जाना है, जैसे अपन डन लगाते वैसे नीचे जाना है। नीचे जाओ आकाश डन लगाने के पोजीशन में। ये देखिए दोस्तों, ये है रामबाण अभ्यास। जब आप नीचे जा रहे तो आपको श्वास छोड़ना है, तब आप ऊपर की ओर उठ रहे, अच्छे से श्वास खींचना है आपके छाती में। नीचे गए थोड़ा सा होल्ड, ऊपर गए थोड़ा सा होल्ड, वापिस अंदर गए थोड़ा सा होल्ड। जितना आपकी क्षमता है उतनी क्षमता से आप इसको रोकने का प्रयास कीजिए। ये अभ्यास करने से देख रहे हैं आप, सीधा सीधा प्रभाव इसका आपके सिर्फ और सिर्फ कमर पे गर्दन पे। जो दंड नहीं लगा सकते वो ये घुटने लगा के कर सकते अगर। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके साथ आपको आहार में खट्टे चीज़ों से परहेज करना है, जैसे कि आपको टमाटर हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया, संतरा मौसम्बी हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, यानी जितने भी खट्टे चीज़ें हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। तो इस अभ्यास के बाद थोड़ा सा आपके कमर को फ्री करते हुए, ये थोड़ा सा कमर को और सहायक रहेगा, थोड़ा सा नीचे ले आना है, फिर आपको कमर उठाना है, ऐसे ऐसे से मात्र और मात्र सात दिन में दोस्तों आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा और आपको शक्ति आ जाएगी अपने क्षत्रिय प्रणाम का अभ्यास करने के लिए। तो क्षत्रिय प्रणाम के अभ्यास में आकाश डन, नॉर्मल डन। तो क्षत्रिय प्रणाम के अभ्यास में जो अपने हजारों सालों से चलते हुए आता, जिसको दंड बोला जाता, जो के कई सारे अगर आप योगा पोस्चर भी देखें तो कई सारे योगा पोस्चरों का एक मिला जुला परिणाम ये दंड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी कमर कमान पट्टी की तरह टेढ़ी, पूरा आसमान पे आकाश। और इसमें है जब आप नीचे जा रहे तब आप फेंक रहे सांस, तब ऊपर उठ रहे तब श्वास अच्छे से खींच रहे आप, और आपकी नजर आसमान की ओर। मात्र और मात्र लगातार अगर आप इसको 30 दिन के लिए कर रहे हैं या 40 दिन के लिए कर रहे हैं तो 70-80% आपको पेन रिलीफ 15 दिन से हो जाएगा। तो 70-80% आपको पेन रिलीफ 100% मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपके शोल्डर के लिए, आपके ट्राइसेप्स के लिए, आपके बैक के लिए या बैक नज़ल के लिए बहुत ही कारगर अभ्यास। तो दोस्तों ये तो कॉमन चीज़ है, इसके अंदर इसको कठिन बनाने के लिए ये देखिए दोस्तों, ये है वृश्चिक दंड। पारंगत होने के बाद में जब आप नॉर्मल दंड अच्छे से लगा रहे उसके बाद में इसका अभ्यास करना, जैसे कि आप देख सकते हैं
कि इसे आपके कमर के ऊपर कितना खिंचाव आएगा, एक मंथन होएगा, जैसे तौलिया निचोड़ते अपन वैसा एक निचोड़ेंगे आपके कमर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपको सहायक करेगा आपके स्लिप डिस्क, आपके से ज़्यादा सहायक करेंगे आपके साइटिका और आपके स्लिप डिस्क पेन के दर्द निवारण के अंदर बहुत सहायक करेंगे। जब आप नीचे जा रहे तब आपको इसका पैर आपको पीछे ले आना है, कमर को मोड़ते हुए नीचे जब जा रहे आप तो श्वास रोक के आपको कुंभक लगाते हुए आपके पैर मोड़ना है। तो ये था अभ्यास। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस अभ्यास को आप मुदगर से भी कर सकते हैं। ये बात याद रखिए, अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड में कम झुकना है, राइट साइड में ज़्यादा झुकना है, जिससे कि आपका डिस्क के अंदर जो हड्डी रहती उसको एक स्पेस मिलेगा अच्छे से। अगर आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड से पकड़ के राइट साइड की ओर झुकना है, जो कि अच्छे से आपको स्पेस देंगे आपकी कमर को, खून का प्रभाव जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। अब आते हैं मेन, कई सारे लोग बोलते हैं कि वजन नहीं उठाना, स्लिप डिस्क जिनको होता है वो लोग वजन नहीं उठाना, बात सच है ये। और स्पेशली इस तरह से आपको झुकना नहीं है, इस तरह से आपको झुकना नहीं है, उसका कैसे झुकना कैसे करना वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुदगर का अभ्यास इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिनको भी मैं सजेशन करता हूँ, जो भी मेरे भाई बंधु मुदगर ले रहे और जो इनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उनको इससे रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा, तो उनके लिए स्पेशली छोटे मुदगर से अभ्यास करना है पहले। छोटे मुदगर से अभ्यास करने के बाद ही आपको बड़े मुदगर की ओर जाना है। तो होएगा क्या इससे, मैं आपको आज बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, पूरा रीढ़ की हड्डी के ऊपर इन्हों कुछ इस प्रकार से हो रहा, यानी आपके अंदर की हड्डी कुछ इस प्रकार से होंगी, ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे खुलेंगे, ऐसे बंद होंगी। मुदगर का अभ्यास आपकी कमर के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा आपके स्लिप डिस्क पेन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप घर से देखें तो इधर के मसल्स कैसा काम कर रहे हैं, और ये हड्डी यानी गर्दन से लेके पूरा टेल तक इसका प्रभाव आपको गिरेगा। वो अच्छा करो, इससे साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा आपको, उल्टा आपके कमर के अंदर एक लचीलापन आकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेंगी। ये L4 L5 S1 S2 रहते जो कि हद से ज़्यादा दर्द देते, सर्जरी की तक नौबत आ जाती लोगों को, सर्जरी फेल हो गए तो फिर से सर्जरी, उसके बाद टोटली रेस्ट यानी टोटली बेड रेस्ट। तो उससे अच्छा है शुरुआत में ही इसको ख़त्म कर दीजिए क्षत्रिय प्राणायाम से या किसी और योगासन से। दो लो आकाश, ये दो मुदगर से अभ्यास देखिए, जैसे जब इन्हों ठहरे तो इनकी कमर कैसे एक धनुष की तरह हो गई, यानी छाती बाहर आके कमर के अंदर एक मुड़ाव, जो कि बहुत ही असरदार। ये देखिए कमर की कौन सा ऐसा मजल नहीं रहेगा जो इसके ऊपर आपको असर नहीं दिखाएगा, 100% इसके ऊपर, कमर के ऊपर आपकी गर्दन से लेके पूरा टेल बोन तक। इसके बाद आप जा सकते हैं बड़े मुदगर की ओर। शुरुआत में आपको इससे दो हाथ से करना है, जैसे आप देख रहे जिनको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जिधर भी ज़्यादा प्रेस हो रहा डिस्क, वहाँ पर ये काम करेंगी। किसी को लेफ्ट साइड में है दबाव ज़्यादा रहता, किसी को राइट साइड में दबाव ज़्यादा रहता। एक मिनट इसे होल्ड करो आकाश, पीछे लाओ, बस होल्ड करो। अगर बॉडी का पोस्चर आप देखें दोस्तों, छाती इनकी पूरी बाहर, कमर के अंदर कैसा कर्व आया, एक यानी एक मोड़ आया, जो कि रीढ़ की हड्डी को कुछ इस प्रकार से करेगा। जितना आप पीछे जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी को जितना आप पीछे लेके जाएंगे, उतना
आपको इस दर्द में लाभ पहुंचेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर भी जहां पर दबाव पड़ते रहता है वहां पर भी, अगर आपको यहां पर पेन है तो यहां से घुमाना है आपको, यानी उल्टा लेफ्ट में पेन है तो राइट से घुमाना है, राइट में पेन है तो लेफ्ट से घुमाना है। अब राइट से घुमाओ आकाश, ये देखिए राइट से घुमा रहे, पकड़ रहे, लेकिन मैं आपको सीधे से बताता हूँ, ये है भी मुद्गर, घुमाने का सही तरीका यही है। राइट हाथ अगर आपका ऊपर है तो लेफ्ट शोल्डर से जाना है, और अगर लेफ्ट हाथ ऊपर है तो राइट शोल्डर से जाना है, उसको घुमाना है। यानी जिनको ये साइड पेन है, राइट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड से आपको घुमाना है, राइट साइड में अगर पेन है तो लेफ्ट साइड से आपको घुमाना है। पीछे जाते वक्त आपको भस्त्रिका यानी श्वास अच्छे से ज़्यादा श्वास खींचते हुए, जब आप श्वास खींच रहे तो आपका पोस्चर एकदम सीधा हो जाएगा, और जो लैपटॉप के अंदर बिजी रहते हैं, फ़ोनों के अंदर बिजी रहते हैं, जिनका बॉडी पोस्चर कुछ ख़राब हो जाता, झुक के चलते, गाड़ी पे भी बैठे तो झुक के बैठते, इससे उनका बॉडी पोस्चर एकदम कड़क, यानी एक आर्मी ऑफिसर एक अपना देश का जवान जैसा कड़क रहता, जैसा फिट रहता, एकदम कड़क रहता, बिल्कुल वैसे ही आपका बॉडी पोस्चर हो जाएगा। घुमाओगे छोड़े, तो दोस्तों यह आज हमारी वीडियो थी स्लिप डिस्क के ऊपर, बैक पेन के ऊपर, साइटिका पेन के ऊपर, जो कि मुद्गर के अभ्यास से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। ऐसे ऐसे बढ़ाइए, सहायक रहिए, और अभ्यास होने के बाद आपको अगर पॉसिबल है किसी को जानकार के सानिध्य में अगर आप हैं तो थोड़ा सा कमर को आपके चटका, तो किसी जानकार के पास ही अगर आपकी, देखिए दोस्तों किसी जानकार से ही आपको ये कराना है, इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जब पूरा अभ्यास हो जा रहा और आपके कमर में ताकत आ गई तो आप कभी कभी यानि हफ्ते में एक दो बार ऐसे क्लिक करा सकते हैं। कैसा दिख रहा आकाश कमर, कुछ पेन नहीं? वैसा पढ़ लो, और ये बहुत आराम से इसके ऊपर सांस देखना पड़ता, पीड़ित की सांस कैसा चल रही, सांस को देखते हुए ही शायद आपको क्रैक की साउंड आएगी। साथ ही साथ के बाद दोस्तों गर्दन की बारी, ये आप खुद से नहीं करना, किसी जानकार के पास ही जाके कैसा दिख रहा आकाश, ये थी जानकारी। और कभी भी याद रखिए किसी जानकार के पास ही जाके आप आपके हड्डियों को चटकाना, जिससे आपका मसल फ्री होगा। हड्डी चटकाने से क्या लाभ होंगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये अभ्यास करने से पहले आप लंगोट पहनना ज़रूरी, बॉडी के अंदर हीट आना ज़रूरी, हीट आने के बाद ही ऐसे ऐसे से अभ्यास करीजिए। जो हीट नहीं ला सकते, जो स्टार्टिंग में है, वो इसको आराम से, जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो बताया उस प्रकार से करिए। हम चाहते हैं कि देश में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई ताकतवर, बलवान और पहलवान रहना। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।